बचपन जिंदगी का एक ऐसा सुहाना पड़ाव जब आपके लिए हर चीज काफी आसान हो जाती है और बाकी बची मुश्किल चीजों का जिम्मा आपके पेरेंट्स उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं हर बच्चा एक जैसा हो। कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं या गुण के साथ पैदा होते हैं जो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बदौलत बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मिनटों में चकनाचूर कर देते हैं। और आज अपनी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही विचित्र बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी यूनिक एबिलिटी को देखकर आपके पसीने छूटने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर से। एरेटोसिनी। इस सूची में सबसे पहले बात करते हैं ईरान के एक ऐसे बच्चे की जिसकी बीते दिनों वायरल वीडियो उसने खासा सनसनी मचा रखी है। और वजह है उसका ये बॉडी बिल्डर शरीर। ईरान से ताल्लुक रखने वाले इस बच्चे का नाम एरेटोसिनी है जिसके 8-pack के आगे उसकी उम्र के बच्चे तो छोड़िए, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी पानी मांगते हैं। और तो और, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नन्हे मुन्ने से भाई की एज अभी सिर्फ 3.5 साल है। एराट इतनी छोटी उम्र में ही जिम के आदि हो गए जहां उनके ट्रेनर खुद उनके डैड हैं, जिसके चलते उन्हें ईरान के लोगों से खासा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। मगर दाद देनी पड़ी एराट की, जिसने इन सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी इंटेंस ट्रेनिंग और लगन से सबको चौंका दिया। फिर चाहे बात दीवार पर चढ़ने की हो, लगातार पुश मारना हो या फिर एंकर पर लटकना, एराट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। एराट का जोश देखकर हर कोई हैरान है, जिसके चलते उसके इंस्टाग्राम में 25 लाख से भी ज्यादा फैन मौजूद हैं और वो उन्हें एंटरटेन करने के लिए वीडियोस भी अपलोड करता रहता है, बिल्कुल हमारी तरह। वैसे आपको बता दें, फिटनेस फ्रीक एराट बड़े होकर फुटबॉलर बनना चाहता है। जूलियट मैनिसन। दोस्तों, बच्चे काफी मासूम होते हैं, लेकिन अगर एक बार किसी चीज की जिद पकड़ लें तो शायद ही उनको कोई समझा पाए। ऐसा एक मामला बीते दिनों क्रिसमस के दौरान तब सामने आया जब जूलियट मैनिसन नाम की इस बच्ची ने अपने पेरेंट्स से एक ऐसी चीज बतौर गिफ्ट के रूप में मांगी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए और शायद आप भी हो जाएंगे। दरअसल साल भर से क्रिसमस के त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही जूलियट को इस बार गिफ्ट में कोई ड्रेस या खिलौना नहीं, बल्कि अपने स्तनों को बड़ा करवाना था। हालांकि जूलियट की माँ ने अपनी नासमझ बेटी को समझाने का बलपूर्वक प्रयास किया, मगर उसकी एक ना चली। इसके बावजूद जूलियट की माँ उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई। वहां उन्हें अपनी बेटी के डिप्रेशन में होने का पता चला। मरता क्या ना करता, आखिर उन्हें अपनी बेटी के लिए हामी भरनी पड़ी और काफी प्रयास के बाद चीन की एक निजी हॉस्पिटल ने इसका बीड़ा उठाया। आखिरकार 2 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर द्वारा जूलियट का ब्रेस्ट इम्प्लांट सफल रहा और अब उसका साइज 30C जितना लार्ज हो गया है, जिसे देख जूलियट काफी खुश है। जूलियट की सनक को पूरा करने के चलते उसके माता पिता को लोगों की काफी खरी खोटी सुननी पड़ी, मगर उनकी माँ को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एवनिका सार्वकास। देखने में शायद ये बच्ची आपको वर्ल्ड की फास्टेस्ट बॉक्सिंग किट लगे, लेकिन उससे भी कई ज्यादा लाजवाब है इसकी पंचिंग स्किल, जिसकी रफ्तार का एक नमूना आपके सामने कुछ इस तरह पेश है। क्यों, आप भी हैरान हो गए ना? यूट्यूब पर खासा चर्चित एवनिका का सफर 2013 में इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुआ, जहां वो मात्र 6 साल की कच्ची उम्र में एक वुडन गेट पर 1 मिनट में 100 से ज्यादा पंचेस से उसके चिथड़े उड़ाते दिखी। एक टीवी शो के दौरान एवनिका ने 30 सेकंड में 130 मुक्के मारने का प्रॉमिस किया, मगर उसने सबको अचंभित कर दिया। पूरे 206 वार किए उसने और अब तक ये रिकॉर्ड टूटकर 221 हो चुका है, यानी कि 7 hits per second। एवनिका को मुक्का मारना इतना पसंद है कि वो बड़े से बड़े वुडन गेट, यहाँ तक कि पेड़ों को भी मिनटों में चकनाचूर कर देती है। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए कि अगर इसकी जगह आपका थोड़ा आ जाए तो क्या हाल होगा। आकर्ष जायसवाल। बात अगर दोस्तों स्मार्टनेस की करें तो अधिकतर पेरेंट्स के लिए उनका लाडला सबसे इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जरा सोचिए तब क्या हो जब आप इंडिया में सबसे इंटेलिजेंट बॉय आकृत जायसवाल के पेरेंट्स हो। आज आकृत की हमारी इस लिस्ट में होने का कारण उसकी बेशकीमती खूबियां हैं, जिसके सबूत इस बच्चे ने मैं 7 साल की उम्र में एक जली हुई बच्ची की सर्जरी करके दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस उम्र में बच्चे को सर्जरी को ठीक से स्पेल करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस एज में आकृत ने यह कमाल कर दिया, वो भी बिना किसी मेडिकल डिग्री के। कुछ सालों बाद आकृत के IQ टेस्ट की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि वो भारत के अब तक के सबसे जीनियस किड है, जिसके चलते उन्हें सिर्फ 12 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। और तो और, वो मेडिकल रिसर्च के लिए लंदन में इनवाइटेड भी किए गए। आपको बता दें कि आकृत भारत की तरफ से वर्ल्ड फेमस ओपेरा शो में जाने वाले सबसे यंगेस्ट चाइल्ड का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। फिलहाल आकृत IIT कानपुर में बायो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिनका सपना देश को कैंसर का उपचार देना है। हसना मुसलमानी। दोस्तों, आंखों से आंसुओं का निकलना तो आम बात है,
वहीं आपने कुछ केसेस में लोगों की आंखों से खून निकलना भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी बच्चे की आंखों से कांच का टुकड़ा निकलते देखा है? अगर नहीं तो जरा लेबनान में रहने वाली 20 वर्षीय हसना की आंखों पर नजर डालिए। क्यों चौंक गए ना? असल में हुआ क्या कि 1996 के वक्त एक रोज हसना उठी और उसने अपनी आंखों में असहनी दर्द महसूस किया और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों से कुछ निकलने वाला हो। आनन फानन में डॉक्टर ने जब हसना की आंखों का एग्जामिन किया तो उन्हें उसमें 3 अलग कांच के टुकड़े मिले, जिसके बाद यह सिलसिला आज तक नहीं रुका। वहीं हसना के पिता मोहम्मद मुसलमानी के मुताबिक ये अल्लाह का करिश्मा है जिन्होंने उनकी बेटी के सपने में आकर इस कांच के टुकड़े को किसी बीमार व्यक्ति को देने के लिए कहा। वहीं डॉक्टर्स की माने तो ये एक अंधविश्वास है जिसके पीछे के कारण हसना के पिता स्वयं हैं। और तो उन्होंने ही अपनी बेटी के सामने कांच का ग्लास तोड़कर उनकी आंखों में डाल दिया जो कि अब निकल रहा है। फिलहाल दोस्तों मेडिकल साइंस का ये पॉइंट इस बच्ची पर कितना सटीक बैठता है इस पर हमसे ज्यादा आपकी राय जरूरी है, तो जरा इनके इस बेकार से तर्क के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रोडोल्फ इनग्राम, आइए आपको मिलाते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले रोडोल्फ इनग्राम से, जिनके नाम वर्ल्ड के सबसे तेज किड होने का खिताब हासिल है और इसकी वजह से उनका चीते की तेजी से 100 मीटर रेस में महज 13.48 में पूरा कर लेना है। हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि यह काम रोडोल्फ ने मात्र 7 साल की छोटी सी उम्र में पूरा किया, जिसके बाद अब वो उसेन बोल्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड से मैच 4 सेकंड पीछे हैं। इस कारनामे के बाद रोडोल्फ के इंस्टाग्राम में मानो फॉलोअर्स की बारिश सी हो गई और हर कोई इस लिटिल बोल्ट को फ्यूचर बोल्ट होने की दुआई दे रहा है। आपको बता दें रोडोल्फ के पिता भी एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं, जिनका मानना है कि उनका बेटा एक दिन इतिहास रचकर दुनिया का सबसे तेज चालक बनेगा। वैसे हमारी तरफ से भी रोडोल्फ को बेस्ट विशेज इन एडवांस। इसाइया बर्ड, दोस्तों जब बात वर्कआउट की आती है तो हम में से लगभग हर शख्स उससे दूर भागता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कितने भी बारे क्यों ना बनाने पड़े। लेकिन 11 साल का बच्चा एक ठोस वजह होने के बावजूद भी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करता। असल में इसाइया जन्म से ही बिना पैरों के पैदा हुआ है, लेकिन इसाइया की इच्छा शक्ति के सामने उसके पैर कोई मायने नहीं रखते। तभी तो ये बच्चा स्केटबोर्डिंग, सॉकर, स्विमिंग और यहाँ तक कि रनिंग करने में भी किसी से पीछे नहीं है। वही ये काफी चिंता का विषय है कि आखिर ये नन्ही सी जान इतना कुछ कर कैसे लेता है। तो इसका जवाब खुद बर्ड ने बताया कि वो बिना किसी एक्सक्यूज के पिछले 2 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने कोच मिगुल रॉड्रिगेस की कही हर बात मानते हैं। आपको बता दें आज की डेट में दुनिया भर में बर्ड के अनगिनत फैन है जो इनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज से प्रेरित होकर उनको सोशल नेटवर्किंग साइट पर आए दिन टैग किया करते हैं। नाओमी कुटिन, हमारी इस स्टीरियोटाइप सोसाइटी में जहां एक तरफ लड़कियों को कमजोर और फैशन एडिक्ट समझा जाता है, वहीं नाओमी कुटिन जैसी अनगिनत बहादुर लड़कियां मौजूद हैं जो वक्त बेवक्त ऐसे लोगों को अपने कारनामे से करारा जवाब देती रहती हैं। मात्र 8 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू करने वाली नाओमी ने अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर 1 साल के भीतर 94 किलोग्राम तना भारी भरकम वजन उठाकर न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बल्कि अपने से दुगनी एज के पुरुष खिलाड़ियों की बोलती बंद कर दी। काफी कम उम्र से वेट लिफ्टिंग का शौक रखने वाली नाओमी को ये आदत अपने पिता के कारण पड़ी जो खुद भी इसी फील्ड में। नाओमी की इस अचीवमेंट के कारण दुनिया उन्हें पावरफुल गर्ल के नाम से जानती है और आज वो सोशल मीडिया पर काफी फेमस भी हैं। दोस्तों वाकई में इन बच्चों के सामने हम कुछ भी नहीं, जिस उम्र में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं उस एज में शायद हमारी क्लास अटेंडेंस भी कोई दूसरा लगाया करता था। वैसे आपका हमारी इस उम्दा वीडियो के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड पर ऐसे ही ढेर सारे लाइक और सब्सक्राइब का रिकॉर्ड तोड़कर प्यार देते रहें। धन्यवाद।